स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नीलिमा राजा से। और आज हम मना रहे हैं पोषण माह, और उसके साथ आज हम बना रहे हैं रंगोली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिखाइए मैडम जी रंगोली को, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और धरती माँ को भी बचाने के लिए हम आज हमारा विशेष जानकारी बच्चों को देंगे। और साथ ही साथ हमारी स्वच्छता और प्लस हम बैठकर घूमकर इस सब के बारे में भी बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे, और बिल्कुल जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ना। तो फ्रेंड्स, आज हम पोषण माह के तहत बहुत सारी जानकारियाँ इन बच्चियों को देंगे। सबसे पहले हम रंगोली के माध्यम से बता रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस पर्यावरण यानी पृथ्वी को बचाना, धरती माँ को कैसे बचाना है, कैसे हम पेड़ लगाकर अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, इस संबंध में भी हम बच्चों को जानकारी देंगे। हमारी आई हुई हैं मैडम श्रीमती ललती जैन, जो कि विशेष जानकारी इन बच्चों को देंगी। बहुत सारी जानकारी है जो हम आप सभी को दिखाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अभी हम इन बच्चों को यहाँ पे रंगोली इनके द्वारा बनाया गया है, आप देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और माँ धरती का बनाया गया है रंगोली यहाँ पर, जिसके माध्यम से हम जानकारी देंगे। और हमारी मैडम दे रही हैं जानकारी इनको कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बेटियों को आप लोग को भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है और स्वावलंबन बनना है, इस बारे में हमारी मैडम जी हैं बच्चों को समझाई हैं बताई हैं। और आगे भी हम बच्चों को बहुत सारी जानकारी देंगे। इसके बाद हम जानकारी देंगे हमारे बच्चों को बैक टच गुड टच और महामारी में क्या करना है और कैसा खाना है क्या खाना है, सब चीज़ के बारे में भी बताएंगे हमारी मैडम। हमारे द्वारा बनाया गया इस सेल्फी जोन में बच्चे उत्साहित होकर काफ़ी फोटो वगैरह खींचाएँ। और आज का इस कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमें प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों का बहुत ही भरपूर सहयोग मिला, जिसके सहयोग से हम ये कार्यक्रम अच्छे से आज कर सके। और देखिएगा, चलिए बच्चे लोग को हम बताएंगे कि रेडी टू ईट और क्या बोलते हैं आजकल जो मिलता है कुरकुरे, इसमें क्या अंतर है, किसको खाने से अच्छा है, किसको खाने से क्या होता है और कौन फ़ायदेमंद है कौन नुकसानदेह है, इस बारे में हमारी मैडम बताएंगी। तो सुनिएगा आप लोग सभी ध्यान से और अपने दिनचर्या में इसको उतारिए भी। एमबी है 10 ग्राम है तो मध्यम एमबी है और 9 ग्राम से कम है तो हम
इधर एनेमिक है, इसलिए हमको 12 ग्राम से अधिक रखना चाहिए ताकि हम अगर हमारे शरीर में 12 ग्राम से कम है तो हम स्वस्थ नहीं है, हम अच्छा से पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सकते। और जो हमको जैसे कोई बच्चा के शरीर में एक भी कम है तो चिड़चिड़ा बन हो जाते हैं, कुछ देर तक पढ़े उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इसको ध्यान देना है, अच्छा पौष्टिक आहार खाना है अपने भोजन में, जैसे गांव में अभी मुंडा का भाजी मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जी, उसको प्रतिदिन सेवन करना है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसको सभी को ध्यान देना है, लड़के को ध्यान भी देना है, लड़कों को भी ध्यान देना है, अगर लड़के भी कमजोर रहेंगे तो भी ध्यान देना है। तो आहार सब के लिए जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है, आप लोगों के लिए भी जरूरी है। तो अपने खान पान में ज़्यादा ध्यान देना है, अच्छे घर में बने चीज़ को खाना है, एक कुरकुरे को नहीं खाना है, घर में जो भी दाल चावल सब्जी बनता है उसको खाना है। जानते हो पेट से ही दुनिया का बीमारी उत्पन्न होता है, सब जानते हैं ना, पेट खराब है तो सब होगा, पेट सही है तो कुछ बीमारी नहीं होगा। यानी हम अस्वच्छ भोजन है, अस्वच्छ भोजन है, अस्वच्छ खराब भोजन खराब पानी पीते हैं तो बीमारी का रूप लेता है। इसलिए हमको घर में ही बने, सिर्फ घर का बने रोटी चावल सब्जी जो भी घर में बनता है उसी का हमको सेवन करना है। और दूसरी बात का वो खुद जाके बना सकते हो कि नहीं, खाने की इच्छा हुआ तो रोटी बना सकते हो, क्योंकि हम बनाना नहीं चाहते और बनाना नहीं चाहते इसलिए पैसा पकड़ के कहाँ जाते हैं, बिस्किट खाते हैं। बिस्किट क्या का बना है, मैदा का, और मैदा हमारे शरीर के लिए चना मिलता है उसको क्या करके खाना है, उसमें मूंगफली चना और जो भी है साबुदाना बहुत अच्छी जानकारी मैडम के द्वारा दिया गया। फिर उसके बाद हम कुपोषण को दूर भगाने के लिए सभी मिल करके शपथ लिए। उसके पश्चात गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को बताया गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बैड टच गुड टच के बारे में बताया गया बच्चों को, क्योंकि अभी हो रही घटनाओं को देखते हुए इस बारे में बच्चों को जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इस बारे में भी बताया गया हमारे द्वारा कि अगर किसी के छूने से हमको असहजता महसूस होती है या किसी के छूने से हमको खराब लग रहा है, उसके छूना में अंतर लग रहा है, कुछ गंदापन झलक रहा है, तो इस संबंध में हमको अपना आवाज़ उठाना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, इस बारे में बच्चों को बताया गया। और छू करके स्पर्श करके हम बैड टच और गुड टच के बारे में इन लोगों को दिखाया गया, बताया गया कि ऐसा अगर आप सभी के साथ होता है तो आप अभी अपने माता पिता को या जो भी रवि गुरु हो या बड़े भाई बहन कोई भी हो जिनको आप बता सको उनको इस बारे में बताइए, इस संबंध में बच्चों को अच्छे से जानकारी दिए ताकि भविष्य में ऐसा किसी के साथ अगर होता है तो उनको मालूम हो कि ये हमारे साथ बुरा हो रहा है तो उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ सके या तो विरोध करने के लिए उन पर ताकत आ रहे। तो इस बारे में भी हम बच्चों को बताएं। तो चलिए हम बताते हैं छोटे बच्चों को बैड टच और गुड। इसका आप लोग अब तुमको क्या करना है बेटा, मैं अब ऐसा
उसके बाद बच्चों को सिखाया गया कि क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कहीं होता है तो हमको क्या करना चाहिए, इस बारे में भी बताया गया कि उनका हमको विरोध करना है, ज़ोर से हाथ झटक करके आवाज़ लगानी है। ये सब भी हम बच्चों को बताए ताकि भविष्य में कभी किसी के साथ ऐसा कोई अनहोनी ना हो और वो इस बारे में उनको जानकारी रहे और अच्छा और बुरा स्पर्श का उनको ज्ञान रहे। इस बारे में हम बच्चों को अच्छी तरह से जानकारी दिए। इसके पश्चात माहवारी के बारे में हमारी मैडम के द्वारा जानकारी दी गई, तो सुनिएगा। हमारी एचएम मैडम के द्वारा भी बहुत अच्छी जानकारी दिया गया, बच्चों को बहुत ही प्यार से समझाया गया ताकि बच्चे सहज भाव से समझ सकें। बहुत ही सरल भाषा में उनको समझाया गया, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दी गई उनको। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी सीख एचएम मैडम के द्वारा, पांडे मैडम के द्वारा दी गई, सुनिएगा जरूर। क्योंकि ये उम्र उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जहाँ लोग बच्चे आसानी से भटक जाते हैं, तो इसलिए मैडम के द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छी समझाई गई। यहाँ पर पांडे मैडम द्वारा अपने बच्चों को ये शिक्षा ये समझाइश दी गई कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें और अपना लक्ष्य बनाकर चलें कि हमको पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना है, स्वावलंबन बनना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, हमें किसी पर आश्रित होना नहीं है बल्कि अपने पैरों पर खड़े होना है। इसलिए एक ध्येय एक लक्ष्य बनाकर अपने पढ़ाई करना है, बाकी इधर उधर हमको कहीं ध्यान नहीं देना है। इस बारे में मैडम के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से सरल भाषा में बच्चों को समझाया गया और ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से समझा पाते हैं। तो गाइस अभी हमारे बच्चों के साथ हमारी रैली निकल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज पोषण माह के इस अवसर पर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के चल रहा है पोषण माह अभियान, तो उसके तहत आज हम यहाँ पर बच्चों के साथ में मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जानकारी दिए हैं। और इन सारे जो दिख रहे हैं पॉइंट, इस पर हम आप सभी को फोकस करते हैं, आप
बच्चों को जानकारी दिए हैं, ये देखिए। और उसके बाद अभी हम रैली निकालने जा रहे हैं, तो चलेगा हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों के साथ हम रैली निकाल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हुए, और ये हमारी आज के इस कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव है। और इसके पश्चात हम लोग चलेंगे अपने घर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो को, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए।